हेलो, सलाम अलैकुम जी। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, जी क्या हाल है? ठीक बिस्मिल्लाह, ठाक? कौन साहब बोल रहे हैं, कहाँ से? मैं जमाल बोल रहा हूँ केपी के मर्दान से। जी मेरी जान, फौरन चूंकि ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश, उनके लिए 11 बजे से 1 बजे और साढ़े जी चार बजे से 5:30 बजे यूरोप और दूसरे बाहर ममालिक के लिए दोबारा 4:30 से 5:30 बजे होता है। तो अभी आप टाइम बहुत थोड़ा है, जल्दी जल्दी बताएं क्या पूछना चाहते हैं। जी मैंने इधर फॉर्म बनाया गोल्डन मिश्री का, जी 6,000 चूजा 1 महीने का भी हो गया, जी वो एक दूसरे को मारते हैं। एक अभी दूस अभी स्टार्ट किया, 3 महीने और 2-3 दिन हो गया। अच्छा एक दूसरे को मारता है हाँ, नौ वो। बजे से 11 बजे तक इस जी टाइम है, हाँ जी, 9 बजे से स्टार्ट करते हैं, 1 बजे से 12 बजे तक एक दूसरे को मारते हैं। लेकिन यह कि उनकी जगह पूरी है, जो मैंने बताया हुआ है कि कितनी जगह होनी चाहिए, उसी जगह पे आपने उस तरह ही उसका शेड वगैरह बनाया हुआ है जिसमें रखे हुए हैं? जी, 1,500 स्क्वायर फुट है हाँ, और 6,000 चूजा है 1 महीने का। 6,000 चूजा 1 महीने का, यानी कि आप समझते हैं कि पूरी जगह है। पूरी जगह है, बस 1 महीना अभी मैं सेल करना स्टार्ट करता हूँ, बस अच्छा, तो ये 1 महीना रखता हूँ, 1 महीना स्टार्ट करता हूँ। सारा ब्रायलर है, नहीं, जी ये गोल्डन मिश्री है। गोल्डन मिश्री का भी दो। एक तो लोग अंडों में, अंडों के लिए करते हैं, कुछ लोग गोश्त के लिए भी बना देते हैं, कर लेते हैं। नहीं जी, इधर तो मैं 1 दिन का लेके आता हूँ और 1 महीना पालता हूँ, 1 महीने के बाद बेचता हूँ। कितनी बताया शेड की चौड़ाई कितनी है, लंबाई कितनी है? 30 फुट चौड़ाई है और 52 फुट लंबाई है। हाँ थोड़ी लंबाई कम है ना, बड़ा लंबाई इसकी 100 से 150 फुट होनी चाहिए। अगर शेड की चौड़ाई 30-35 फुट हो ना, तो लंबाई 100 से लेके 150 फुट होनी चाहिए, ठीक है? और अच्छा जी, हाँ ये याद रखें। और थोड़ा इनको खुराक वगैरह पूरी दे रहे हैं? जी, खुराक दे रहे हैं खुराक पूरा। दे रहे हैं, तो वो एक दूसरे को मारते इसलिए हैं, जब खुराक, या अगर खुराक का मसला आ जाए, या कहीं एक में आदत वो बुरी पड़ जाती है, बुरी आदत में हम उसको कहते हैं, लेकिन वो तो खून बाकायदा चूसते हैं, वो एक दूसरे का खून पीना शुरू कर देते हैं, वो जख्मी कर देते हैं एक दूसरे को। इस तरह का तो नहीं है चक्कर? अभी इस तरह है, बस जख्मी एक दूसरे को काटता है बस। वो ही ना काटता है, तो इसका, इनकी खुराक में आप पूरी जो चीजें होती हैं वो मैं बताता हूँ, वो दे रहे हैं? मैं तो ये फीड दे रहा हूँ, इस्लामाबाद वाला फीड। इस्लामाबाद वाला फीड दे रहे हैं, उस फीड के अंदर कुछ थोड़ा सा कैल्शियम का सोर्स थोड़ा सा बढ़ा दें, उसमें थोड़ा ये एक DCP पाउडर जो है वो उसके अंदर डालें, या मिनरल मिक्सर ले आएं, मिनरल मिक्सर, उसमें वो जो खुराक देते हैं उनमें थोड़ा वो भी भले थोड़ा ऐड कर दिया करें, ये आप देखेंगे एकदम बहुत फर्क पड़ेगा। और खुराक थोड़ी सही करें, और इनमें देखें अगर बहुत ज़्यादा कोई तेज़ और मारने वाला है, उनको छांटी करें इनकी। अच्छा जी, हाँ छांटी करें, लगातार छांटी करते रहें, एक साइड पे यानी थोड़ा जो सा मारते हैं, जो जो मारते हैं वो आधा करते हैं, हैं, जो मारता है उसको अलहदा करते हैं, अलहदा अलग करता जगह बनाए है, उसके। अलहदा करना बहुत जरूरी है। और इसी तरह और भी देखते रहा करें कि खुदा ना खास्ता कोई उसमें से कोई किसी का सफेद बीट वगैरह तो नहीं आ रही, और किस तरह जी, उनको भी वो अलहदा कर देते हैं, ठीक है ना? अच्छा जी, जितना भी मारा है ये पूरा सफेद है, सफेद है तो दूसरे वाले काले और रेड है, लाल वाले हैं लाल वाले वो नहीं मारते हैं। वो नहीं मारते, ये व्हाइट वालों को अलहदा कर दो, अच्छा जी, व्हाइट वालों को अलहदा करके रखें और रेड वालों को अलहदा रखें, फिर देखेंगे बड़ा सुकून आ जाएगा इंशाल्लाह। और पानी के बर्तन वगैरह इनके साफ सुथरे रखें, और उनको धो के ना बाकायदा रोजाना इनको थोड़ा वो होता है पिंकी, पोटाशियम परमैंगनेट, लाल दवा, उसके साथ है, उनमें भिगो, उनमें धो के फिर इनको थोड़ा धूप लगा के फिर दिया करें, ठीक है? ये भी बड़ा ज़रूरी है, अच्छा जी, बर्तन जो है इनके साफ सुथरे रखें, लेकिन ये है कि सफ़ेद को अलहदा कर दें प्लीज़।
फौरन। अच्छा चल सही है, ठीक ओके है, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा, दुआओं में याद रखना, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। और कोई मसला हो तो बताना। इनकी जो होती है वैक्सीनेशन वो तो ठीक करा रहे हैं ना, खास तौर बिल्कुल पे जी, वो पूरा किया रानीखेत है हैं, जी, वो पूरा किया है, वो पूरे पूरा में किया। वेरी पूरा गुड, डॉक्टर हाँ किया है। जी, वेरी गुड वेरी गुड। ये सर गोल्डन मिश्री जो होती हैं ये बड़ी अच्छी वैसे होता है ये, आप फिक्र मा कुआ। ठीक है, अल्लाह फजल करेगा, ताज़ा पानी इसको वाफर मकदार में देते रहें। ये फील्ड में डायनापिक ये यूज करता हूँ। हाँ ठीक है, चलो जिसकी भी करते हैं वो मेरे प्रोग्राम भी अगर देखेंगे तो मैंने अपने फार्मूले भी दिए हुए हैं, और ताकि आप अपनी खुराक खुद बना सकें इनकी। बिल्कुल जी, वो देखे फॉर्मूले देखे जी, लेकिन वेरी गुड। और रानीखेत से बचाव के अफास्ती टीके हर 2 माह बाद जो करीबी वेटरनरी अस्पताल है उससे ज़रूर लगवाने चाहिए। ये जितनी भी मछली गोल्डन है ना, इनकी लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा जी जी हाँ, और कमर्शियल फीड नंबर 3 दे रहे हैं, ये 11 नंबर फीड है 11 नंबर दे रहे हैं। ठीक है, तो बस ठीक है, अल्लाह फजल करेगा, फिक्र नहीं करना। ताज़ा पानी देना है, वाफर मकदार में होना चाहिए, और रोशनी और लाइट वाइट वाश हवा फर्स्ट क्लास हो। ठीक है, वो घुटन ना महसूस हो उनको। अच्छा जी, ओके, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह ओके बिस्मिल्लाह, अल्लाह हाफिज़। ओके, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह वाक साहब। हजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, कब्रों को सजदा गाह ना बनाओ। सही मुस्लिम से कोट कर रहा हूँ। ये चैनल पाकिस्तानी ज़राअत से मुतालिक मालूमात का एक अनमोल खजाना, जिसमें फसलात, सब्जियात, बागात, कुदरती वसाइल, ज़रई मशीनरी, हैवानात, मुर्गबानी, माहीगीरी, मत्स्यबानी और किसानों के रोज़मर्रा मसाइल का हल मुल्क के मारूफ ज़रई साइंसदान डॉक्टर अशरफ साहिबजादा रोज़ाना दिन 11 बजे से 1 बजे बाद दोपहर माँ सवाए जुम्मा के बताते हैं। फोन नंबर 0333-5121-8799।